हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फर्म के उद्देश्य की। फर्म एक उत्पादन इकाई होती है। यह उद्योग का हिस्सा भी हो सकती है और समूह का भी। अगर यह उद्योग का हिस्सा है तो यह सहजाती वस्तु का निर्माण करेगी, और अगर समूह का हिस्सा है तो असहजाती वस्तु का निर्माण करेगी। असहजाती वस्तु का तात्पर्य यह होता है कि जो वस्तुएँ आपस में स्थानापन्नता रखती हैं, लेकिन इनके प्रयोग जो होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं। जैसे हम कोई साबुन अगर ले लें, टॉयलेटरीज को जितना होती हैं उनको देखें, तो साबुनों में कई प्रकार की कैटेगरी आपको मिलेगी। कुछ साबुन आपको मिलेंगे जैसे लक्स और डव, ये सुंदर सौंदर्यता के लिए बनाए गए हैं। अगर हम देखें कि लाइफ बॉय या डिटॉल साबुन, ये हाइजीन के बनाए गए हैं। तो इस प्रकार में साबुनों में भी डिफ्रेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, साबुन का काम जो है वो आपके शरीर को स्वच्छ रखना है ना। तो इस प्रकार से कोई आपका लक्स बनाता है, कोई डब बनाता है, इसमें भी कैटेगरी है कि आप हाई रेंज की प्रोडक्ट को बना रहे हैं या लो रेंज वाले प्रोडक्ट को बना रहे हैं। इट मींस कि आप मध्यम वर्ग के लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं या उच्च वर्ग के लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप प्राइस को डिसाइड करते हैं और उस कैटेगरी के लिए ही आप एडवर्टाइज करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बात यह है कि फर्म जो है वो दो प्रकार की वस्तुओं को बना सकती है, सहजाती और असहजाती। अभी मान लेते हैं कि वो सहजाती वस्तु ही बना रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सहजाती बना रही है या असहजाती। फर्म के जो उद्देश्य होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि फर्म जो है उसे चलाने वाला कौन है। क्या ओनर और मैनेजर एक है? अगर ओनर और मैनेजर दोनों, यानी ये प्रबंधक और उसका स्वामी, दोनों एक व्यक्ति होते हैं, तो फर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ को अधिकतम करना होता है। लेकिन जहाँ पर भी फर्म का स्वामी और उसका प्रबंधक अलग हो जाता है, तो प्रबंधक तो ये चाहता है कि हमको लाभ मिलता रहे, हम फर्म को जितना लाभ देंगे उतनी ही हमारी तनख्वाह या हमारी जो जॉब है वो सिक्योर रहेगी। लेकिन स्वामी के जो उद्देश्य होते हैं वो फर्क होने लग जाते हैं। कुछ स्वामी विक्रय को अधिकतम करना चाहते हैं, कुछ स्वामी जो है विकास दर को अधिकतम करना चाहते हैं, कुछ अपनी उपयोगिताओं को अधिकतम करना चाहते हैं। तो कई प्रकार के उद्देश्य पाए जाते हैं, पर आज हम बात करेंगे लाभ अधिकतम फर्म की। कोई भी फर्म जो लाभ को अधिकतम करना चाहती है, तो लाभ उस बिंदु पर अधिकतम होते हैं जहां पर उस फर्म से प्राप्त कुल आय उस फर्म को वस्तु को बनाने में लगने वाली लागत कुल लागत के अंतर को अधिकतम होती है। यानी कुल आय को अगर हम TR से प्रदर्शित करें और कुल लागत को TC से प्रदर्शित करें, तो TR और TC का जो अंतर है वो जहां पर जिस बिंदु पर अधिकतम होगा, जिस उत्पादन की इकाई विक्रय के आधार पर अधिकतम होगा, वो बिंदु आपका लाभ अधिकतम बिंदु होगा। मैथमेटिकली अगर इसे प्रूफ करें तो आपका जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो ये रिजल्ट्स निकल के आते हैं कि जहां पर TR का ढाल और TC का ढाल आपस में बराबर हो जाते हैं। TR के ढाल को हम लोग अर्थशास्त्र में MR कहते हैं, यानी कि उसकी सीमांत आय कहा जाता है, और TC की ढाल को MC कहा जाता है, यानी कि सीमांत लागत कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में लाभ अधिकतम की पहली शर्त यह है कि MR MC के जिस बिंदु पर बराबर होगी या उत्पादन की जिस इकाई पर बराबर होगी, या एक दूसरे शब्दों में ये कहें कि अंतिम इकाई को बेचने से प्राप्त आय और अंतिम इकाई को बेचने से प्राप्त लागत जिस बिंदु पर बराबर होगी, उस बिंदु पर लाभ अधिकतम होते हैं। लेकिन ऐसे दो बिंदु हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो इसलिए ये शर्त अपने आप में इनकम्प्लीट है, अधूरी है। दूसरी शर्त आती है कि जिस उत्पादन की इकाई के बाद और विक्रय की इकाई के बाद लागतें जो है, सीमांत लागत जो है, सीमांत आय से अधिक होने लगती है, अर्थात सीमांत लागत का ढाल सीमांत आय की ढाल से अधिक होने लगता है, तो वो बिंदु वास्तव में लाभ अधिकतम का बिंदु होता है। लाभ अधिकतम की जो फर्म के उद्देश्य है, इसको मार्शल ने प्रदर्शित किया था, नव क्लासिकल अर्थशास्त्री है ये, और इन्होंने इस चीज को दिखाया कि जो भी फर्म होती है उसका चूंकि स्वामी और उसका जो प्रबंधक है वो एक होता है, इसलिए वो लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। तो लाभ अधिकतम की दो शर्तें हैं, एक जहां MR बराबर MC होता है, और दूसरा जहां MC की ढाल MR की ढाल से अधिक हो जाती है। तो मुझे लगता है आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करिए, पीछे के वीडियोस में भी जा करके लाइक करिए और कुछ कमेंट्स भी हमें दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको जो जानकारी चाहिए हम उस जानकारी को आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।